And then you feel के सही नहीं हुआ कितने लोग, okay, कि right? लोग वाकई आप में से बहुत सारे सीनियर हो जो अपनी जिंदगी में काफी कुछ अपाउंस देख चुके हो आज भी एंगर कंट्रोल नहीं आया रेज यू हैंड दुनिया का बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है राइट right? अगर ये आ गया तो सब आ गया रेज यू हैंड एंगर कंट्रोल कितने कहते हैं इसका मतलब है बहुत अच्छा आ गया इसका मतलब है आधा आया इसका मतलब है अभी भी लर्निंग स्टेज है भाई सो रेज योर कितना है ओके okay, ठीक है नबत वालियानी हंस रही है क्या गम है जिसको छुपा रहे हो इतना मुस्कुरा रहे हो गुस्से को छुपा रहे हो ओके गुड नूरजान करीम जिया शरीफ ऐसा ऊपर हाथ रखा है कंट्रोल कर लिया एंगर करीम ने ऐसा ऊपर कर दिया चले गया ऊपर ए <laughs> चैनल क्रिएट कर दिया है नो वो हाउस में नहीं होता है स्टीम हाउस होता है ऐसे करके पाइप निकला होता है ऊपर से यू नो एंगर रिलीज कर दिया गुड सो so बहुत मुश्किल टॉपिक है और जितना भी हम पढ़ लें देखो दो डिफरेंट चीजें होती है एक होता है नॉलेज इज पावर बट देन ऑल्सो यूजिंग नॉलेज टेक्स पावर राइट और उस नॉलेज को याद रखना बहुत जरूरी है तो आई वॉज रीडिंग सम जो के बहुत बड़ा स्टॉक ट्रेडर है एंड वो कहता है कि मैं टोनी रॉबिनस को जो है वो पर्सनल कोचिंग के लिए हायर करता हूँ और एट्टी थाउजेंड डॉलर चार्ज करता है एटी थाउजेंड डॉलरस चार्ज करता है तो उसे सवाल किया कि तुम बिलियनर ट्रेडर हो मिलियनर भी नहीं बिलियनर ट्रेडर हो और टोनी रॉबिस मैनेजमेंट का ट्रेनर है साइकोलॉजी का ट्रेनर है कोई कनेक्शन नहीं बनता उसको हायर करने से और इतने पैसे देने से एट्टी थाउजेंड डॉलर क्या मिलता है तुम्हें तो कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा गेम ही साइकोलॉजी का है जिसने अपनी साइकोलॉजी समझ ली और दूसरे की साइकोलॉजी कंट्रोल करना समझ ली वो सक्सेसफुल हो जाता है फिर वो किसी भी मैदान में हो हाउ मैनी विद द पॉइंट रेज योर हैंड्स ठीक है तो एक ज़माना था जब साइकोलॉजी वॉज द सब्जेक्ट व यूज्ड टू बी थॉट एज बोर्ड बट यू नो इमाम हैज इमामज लॉट अबाउट साइकोलॉजी एंड फिलोसफी बिकॉज फिलासफी क्या होता है दिखने में बहुत बोरिंग लगता है अनफॉर्चुनेटली जो पढ़ाने वाले गुजरे हैं, वो भी बड़े शेक्सपियर टाइप के लोग थे हालांकि देसफी इसके एक आदमी ने जिंदगी गुजारी सौ साल की एंड वी रीड द बायोग्राफी और हमने सीखा कि यार हिटलर हिटलर कैसे बना दुनिया में तब्दीली कैसे लाया और क्या क्या अच्छा करके गया क्या क्या बुरा करके गया राइट right? तो हमको समझ आ गया फिलॉसफी में कि एक आदमी कब बहुत सक्सेसफुल हो जाता है कब फेलियर हो जाता है तो इन आर लाइफ व्हेन वी गेट टू दैट पॉइंट हमको पता है अच्छा है यार ऐसे ऐसे भी फेल हो जाता है आदमी और ऐसे ऐसे सक्सेसफुल होने के साथ साथ फेलियर भी आ जाता है राइट right? सो so, वो चीज है जो मौला अली ने कहा कि यू नो लर्न फ्रॉम द फेलियर्स ऑफ अदर रादर देन खुद मिस्टेक करके मार खाओ बेहतर है कोई आदमी मार खा रहा है उससे सीख लो ताकि तुम्हें वो मार नहीं खाना पड़े और नो राइट अब वो सिखाएगा कौन क्या कोई आज की तारीख में आज के वेस्टर्न एरिया में आपको बताएगा कि मैं फेल हो गया नहीं एवरीबडी विंडो ड्रेसेस एवरीबडी जस्ट पुट ग्लॉसी पिक्चर्स सब विकेस फन बड़ी बड़ी बातें करते हैं कोई फेलियर की बात नहीं करता सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली क्यों बना क्योंकि वहाँ लोग फेलियर की बातें करते हैं वहाँ लोग बात करते हैं कि गूगल इतनी बड़ी होने से पहले 110 दफ़ा फेल हुई अमेजोन इतना बड़ा होने से पहले चालीस दफ़ा फेल हुआ एंड दे लर्न फ्राम फेलियर हम लोग क्योंकि एशियंस है ना और एशियंस की साइकोलॉजिकली अन बहुत बड़ी होती है राइट ये थोड़ा सा कल्चरल फर्क है जो हमें समझना पड़ेगा तो हम फेलियर को छुपा लेते हैं हमको लगता है वो नहीं 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 किसी को पता चला शर्मिंदगी होगी हालाँकि अमेरिकन जो ट्रू अमेरिकन है उनके कल्चर में दे शेयर द नॉलेज वो फेलियर को शेयर करते हैं कि भाई मैं ऐसे 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 फेल हुआ तुम मत करना था कि बच जाओ And there is no harm in that. हमें शर्म आ जाती है ग्रैंड फादर में अपने बच्चों को बताऊंगा मैं छः दफ़ा फेल हुआ बोलेंगे ओह दादा आपको तो आते हैं नहीं कुछ भी नहीं दे अप्रीशियट दैट लाइफ में आज जो विलियम डेविस या इस तरह के जो कोचिज हैं वो जाके बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल्स को और माइक्रोसॉफ्ट को क्या सिखाते हैं आपको पता है वो उनको सिखाते हैं कि लोगों को फेलियर या फेल होने पर अप्रीशियट करो

भाई सेट, उसको डीमरलाइज ना हो वो टूटा हुआ है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वो काम चलाते रहे राइट सरोज ने कहा उसने लर्निंग की है उसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि फेल होके मार खा के सीखा है उसको आ गया ये काम ऐसे नहीं होता राइट सो जब ग्यारह दफा बोला इसका मतलब है शायद ग्यारह दफा ट्राई जरूर करना चाहिए किसी चीज को छोड़ने से पहले राइट वॉरेंट बफेट का नाम सुना है ठीक है पास वाला सब्जी वाला नहीं जो बिलेन आदमी स्टॉक राइट वॉरेन कहता है कि आई डोंट इन्वेस्ट इन अ पर्सन जो जिंदगी में तेरह दफा फेल नहीं हुआ तो आपके आसपास जो भी बच्चे लोग हैं जो फेल हो रहे हैं डिप्रेस हैं बिजनेस नहीं चल रहे हैं जॉब्स नहीं चल रही हैं ब्रिंग देम योर एंड गिव देम पैट ऑन द बैक बिकॉज वो कहता है कि जो आदमी तेरह दफा फेल होने का दम रखता है वो जब फोर्टीन टाइम खड़ा होता है ना तो बहुत बड़ा काम कर जाता है अब इसमें बहुत बड़ी विजडम है बहुत बड़ी इंसाइट है तेरह दफा जो आदमी फेल हुआ ए अकॉर्डिंग टू शौकत भाई उसमें दम कितना है वो बार बार गिरता है फिर खड़ा हो जाता है बार बार गिरता है डिप्रेस होता है फिर खड़ा हो जाता है यानी ही इज समथिंग वो लूजर नहीं है वो एज अ पर्सनैलिटी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स का मालिक है जो कि फोर्टीन टाइम भी खड़ा होकर बॉक्सिंग रिंग में कहता है अभी भी सांस चल रही है लड़ूंगा येस yes और नो no? वर्सेस वो जो दो तीन दफा के बाद बोलता है छोड़ो यार को चोर करते हैं छोड़ो यार को कर, चोर कुछ और कुछ और करते हैं और फिर उसी वर्कशॉप में बैठा होता है और कहता होता है में और कंसिस्टर्स में राइट right? कंसिस्टेंट रहना पड़ता है सक्सेस के लिए दूसरा सरोज ने जो बोला आ, तेरा दफा फेल हो गए लर्निंग कितनी मिली राइट right? तो वो आदमी जो कि फ्रेश ग्रैड है या इंटर्नशिप करके बाहर निकला है जिसने दुनिया नहीं देखी है और उसको बॉस बना दिया क्योंकि उसका फादर भी बॉस था और कहा ये बिज़नेस चलाओ एम्पायर चलाओ और उसको बहुत बड़ा करो और अक्सर नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम वो ख़त्म कर, yes no? no कर देता है सब यस और नो नो ऑफेंस टू एनी बडी वी नो बट वो साइकोलॉजिकली ख़त्म कर देता है बिकॉज उसके फादर ने फेल होने के बाद वो खड़ा किया था उसने फेल हुए बगैर वो चलाया तो जब वो फेल हुए बगैर चलाता है तो उसकी लर्निंग सिर्फ वोकेशन लर्निंग है या वो लर्निंग है जो उसके फादर से उसको मिली है बट उसके फादर से उसको कंसिस्टेंसी नहीं मिली है अपनी जगह पे और दुनिया में मुश्किल आती है बीमारियां आती है कैश शॉर्टेज आती हैं रिसेशन आता है पार्ट ऑफ लाइफ है राइट right? तो वो जो हिम्मत चाहिए होती है ना अपनी जगह पे खड़े रहने का और गिर के वापस खड़े वो सिखाना बहुत ज़रूरी है इसीलिए सिलिकॉन वैली को सिलिकॉन वैली कहा जाता है बिकॉज वो जगह में एक कल्चर ऐसा है कि वहाँ लोग फेलियर को अप्रिशिएट करते हैं और आई थिंक शहनाज ने बहुत अच्छा जो आज कोट दिया कम से कम एलेवन टाइम्स तो हमें बता दिया ये फेल हो गए तो कोई बात नहीं लर्न 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 हाँ ग्यारह तक पहुँच गए तो शायद पास हो ही जाओगे ठीक है और वॉरेंट बोफेड जो पैसे वाला आदमी है वो ऑलरेडी कह रहे हैं यार तेरह दफ़ा के बाद तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा आओ तेरह दफ़ा फेल तो होकर राइट सो लेट्स पैट ऑन द टू ऑलियर इन द ग्रोथ हाथ उठाओ कौन कौन फेल हुआ है एक दफा चीख आ गई तो उसको भी में करेंगे. एक दफा यू you नो know, कफ हो गया था बुखार हो गया था आई फेल ऐसा वाला फेल नहीं बुरा वाला फेल बट okay? so, समझ आया जिंदगी में के काम नहीं हो रहे हैं इम्पावरमेंट क्लास में दो साल से आ रहे हो और एज ए टी वी प्रोग्राम स्टिल भी देख रहे हो तो दो वजह है या तो जो करना चाह रहे हो उसमें फेल हो रहे हो या तो कुछ कर ही नहीं रहे कुछ कर नहीं रहे तो बैटरी वीक है अमेजोन से नई बैटरी ऑर्डर करो और अपने अंदर डाल दो लेकिन अगर कोशिश ही नहीं कर रहे तो वो अलग मसला बट कोशिश करके फेल हो रहे हो तो कीप ऑन डूइंग कीप ऑन डूइंग कीप ऑन डूइंग बिकॉज हमको समझ आया नॉट एवरीबडी गेट्स लकी डे वन वेरी गुड और यही वजह है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना बिकॉज हम फेलियर को एम्ब्रेस नहीं करते हम फेलियर को अप्रिशिएट करना ही नहीं जानते देखो एंड इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी है हॉलीवुड में बॉलीवुड में शायद बनेगी आ, वो ये कहते हैं कि तुम अपने बच्चे को विनिंग का लेसन तो बहुत अच्छा देते हो कि जीता कैसे जाता है बट फेलियर को एम्ब्रेस कैसे किया जाता है वो नहीं सिखाते हैं डिप्रेशन क्यों होते हैं लोग एब्यूज सोशल डोजेस हाई क्यों होने की कोशिश करते हैं ड्रग्स यूजेज क्यों बढ़ गया दुनिया में बिकॉज लोगों को फेलियर बर्दाश्त कैसे करना है सिखाया नहीं गया और फेलियर आएगा ही आएगा दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ यस और नो कितने लोग हैं जो फेल हुए बगैर यहाँ पे बैठे हुए हैं चाहे हेल्थ में चाहे फाइनेंशियली चाहे रिलेशनशिप्स में वो रिश्ते जो आज बने हुए हैं वो कल नहीं थे या जो आज नहीं है वो कल बहुत अच्छे थे आज नहीं है राइट यस और नो तो हम सब फेल हो के भी यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते बिकॉज लैक ऑफ रिलीजन लैक ऑफ फेथ ऑन गॉड गॉड पे फेथ नहीं है तो अपने ऊपर कैसे आएगा राइट right? आज जिंदगी ख़त्म हो गई फिर बीमार हो गया ख़त्म जो डाइड और कुछ ऐसे भी है जो कैंसर से घूम के टाटा बाय बाय करके वापस आ गए हमारे ग्रुप में राइट तो उसमें और पहले वाले में क्या फर्क था कोई फर्क नहीं था इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा था और आज की तारीख में आप देखो आई क्यू ऑब्सलीट हो गया है ई क्यू आ गया है अब सीईओ को आई क्यू पर हायर नहीं करते क्योंकि पता है चैट जीपीटी को सब पता है बोलते हैं इमोशनली कितना स्ट्रांग है ये देखते हैं तो आपने एग्जाम्पल दिया कि आपका नवासा किस तरह से नेक्स्ट लेवल पर आ गया गुड उसको मूव करते हैं टॉपिक को आज मैं चाहूँगा कि हम बुक खत्म करें uh, हमने बात की थी शुरू की थी सक्सेस से और हमने बात शुरू की थी हाउ टू कंट्रोल एंगर पे राइट right? अभी आपने एग्जाम्पल दिया मलिक मिठाने के वो जिसको दुनिया फेलियर कहती थी आज वो इतना सक्सेसफुल है इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस ले रहा है राइट right? और ये सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े बन गए आइंस्टाइन वगैरह एवरेज स्टूडेंट हमने बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ी है राइट आप लोगों ने बुक रिव्यूज किए तो समझ आए कि कोई भी चीज कॉन्स्टेंट नहीं है आज एक आदमी जिसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आ रहा जो कि आप लोगों में से कोई सीनियर हो सकता है हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख दे और मिलियन डॉलर प्रोग्राम बेच दे बड़ी कंपनी को राइट अब हंसी आएगी अरे बाप रे सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन हो सकता है राइट वन इन थाउजेंड या वन इन टेन थाउजेंड ऐसा काम कर जाता है लेकिन जो सोच लेता है वो कर जाता है क्या आप लोग इस बात पे भरोसा रखते हो यस और नो ठीक है अब हाथ सबने उठाए लेकिन भरोसा नहीं रखते दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट तो जिस दिन भरोसा रख लोगे ना उस दिन कर भी डालोगे तो ये शेयर करना भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की बात है राइट और हमारी क्लास में सब थोड़े से कॉन्फिडेंट लोग हैं माशाल्लाह शायद डे डेवन पे नहीं थे अगर हम ये नहीं सीखते कि फेल होना इज नॉर्मल या हम अपने बच्चों को या आप लोग बींग ग्रैंड किड रोज देखते हो आपके ग्रैंड किड्स फेल हो रहे हैं पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं उसके बच्चे में ये ज्यादा ये नहीं है होगा बिकॉज वी लिव इन द वर्ल्ड राइट वेर वी कंपेयर एंड वी कंपेयर एंड ग्रो तो आपको ये बताने की जरूरत है कि लर्न टू इम्प्रेस फेलियर फेलियर इज गुड फेलियर इज द स्टेप फॉर जर्नी नंबर वन यू नो आपका सेकेंड स्टेप सक्सेस है फर्स्ट स्टेप फेलियर है ना फूड ऐसे होते हैं जो कि आपको गुस्सा वाला बना देते हैं टॉपिक so आज का था कि ओके, लेट मी सी। आज का टॉपिक ये था कि क्यों आदमी गुस्से वाला बन जाता हाउ टू कंट्रोल योर एंगर जो शौकत भाई ने सजेस्ट किया था राइट ओके okay, सब वो लोग जो कि स्क्रीन पे इधर उधर हो आ, स्क्रीन को छेड़ना बंद करो ओके ठीक है सो so ये कुछ फूड्स हैं जो कि हमें देखना है जो कि नॉर्मली एक इंसान को तो वो कह रहे है गुस्से के पीछे दो वजह होती है अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कितने लोगों को आता है रेज योर हैंड्स? देखें कितने ऑनेस्ट लोग मौजूद हैं ठीक है ना अभी तो फेलियर का टॉपिक पढ़े ना तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल आता है बिल्कुल आता है राइट अभी नहीं पढ़ा होता तो एक भी हाथ नहीं उठता राइट तो देखो नॉलेज इज पावर सही बात है आज नॉलेज आया तो बिहेवियर ही चेंज हो गया राइट यही यही वो चीज है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो इनशा बींग ग्रैंड ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर यू नो और एल्डर्स इन द फैमिली वो ये कहता है कोई भी चीज जैसे बच्चों को कहते हैं डोंट टेक टू मच शुगर सब्सटेंस बना हाई हो जाते हो शुगर पे यू नो गुस्सा तो आप देखो बिकॉज मोस्ट ऑफ देश नहीं सकते हैं. हमारी नाइनटी परसेंट आइटम उसी से बनती है ये सो नो राइट तो फोर्टी की एज तक तो ठीक है एज यू क्रॉस फोर्टी उतना ही चावल या उतना ही रोटी आपका शुगर लेवल बढ़ा देता है राइट right? एक जमाना था जब आदमी रोटी के लिए कमाता था आज रोटी कम कैसे करनी है उसके लिए कमाता है राइट यू पुट द ट्रैकर्स यू पुट ऑल द ग्लूकोज मीटर्स यू सी क्या डायबिटीज तो नहीं बढ़ रहा ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ रहा हेल्थी रेस्टोरेंट से खाते ऑर्गेनिक से खाते हैं राइट तो फाइट फॉर द फूड खत्म हो गया दुनिया के कुछ मुल्कों पे आज भी है लोगों को पूरा पेट भर के खाना नहीं मिलता राइट आई स्पोक अबाउट यू अफगानिस्तान या अलग अलग जगह आप लोग देखते रहते हो लेकिन शुगर जब भी सब्सटेंस में होता है वो इंसान को ज्यादा रहने से एंग्री कर देता है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप चेक करो कि आप चॉकलेट्स या आइसक्रीम ये समझ के तो नहीं खाते कि आपका गुस्सा कम हो जाएगा और आपका बर्ड है राइट या बहुत ज्यादा मीठा तो नहीं खाते सेकंड इज कैफीन चाय कॉफी ठीक है जो लोग अल्कोहल्स करते हैं यू नो 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 टू दैट कैफीन कंटेंट बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं हमको लगता है कि यार इससे हम सही हो जाएगा लेकिन ज़्यादा चाय पीने से भी गुस्सा आता है

खाते हैं कंज्यूम करते हैं राइट बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं करते हैं दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग यू कुड एवर डू बिकॉज ये कंपनी इतना अच्छा ब्रांड करके बेचती है इन स्टोर्स लाइक एच ई बी सैम्सार्ट कि आप अटम्प्ट हो जाते हो लेने के लिए और फास्ट मूविंग लाइफ बोलती है कि ठीक है यार रेडी टू कुक मील्स खाओ बट आज अगर गूगल करके देखो तो आधी से ज्यादा बीमारियां जिसमें कैंसर हो रहा है वो प्रोसेस फूड खाने से हो रहा है बिकॉज इतना पुराना खाना होता है जिसमें वो इनमे या उस तरह के सब्सटेंस डाल देते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है तो अगर आप तीस दिन पुराना खाना खा लो अगर आपको पता चले ये तीस दिन पुराना खाना है तो आप शायद कभी नहीं खाओगे राइट और एक चीज आपको गूगल करनी है ओमेगा सिक्स फैटी एसिड्स आप गूगल करो कि ये चीज़ किस में होती है ये चीज़ जिसमें भी होगी वो खाने से गुस्सा बढ़ेगा और दो मेन चीज जिसमें ये होता है वो है सोयाबीन ऑयल और कॉर्न ऑयल राइट वेरी क्लोज टू दैट वी यूज बटर यूज करना फिर भी इतना नुकसानदेह नहीं है जो हम ऑयल यूज करते हैं कैनोला या वेजिटेबल ऑयल नुकसानदे बिकॉज दैट है इसको गूगल करो थोड़ी सी बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होता हम कंज्यूम कर रहे होते हैं इंड देट ब्रिंग्स वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े कह के गए यू आर वॉट यू ईट आप वो बन जाते हो जो आप खा रहे होते हो और हमारा प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं आज की तारीख में हम खा क्या रहे हैं so, सो अच्छी बात यह है कि आज शोकत भाई दॉपिक जो बुक उठाई है उसने हमें ये बता दिया कि भाई ये गुस्सा सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है बायोलॉजिकल भी है बहुत सारा खाना भी आप ऐसा खाते हो जिसमें हो सकता है ओके लेट्स कम टू पॉइंट नंबर टू वो ये कह रहा है वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो राइट इट डाउन वो कोशिश करें कि वो जो बोलता है वो ये बोलता है कि द अर्ली साइंस ठीक है तो नेक्स्ट टाइम वो कहता है जब आपको गुस्सा आए ना तो अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन में डाल देना जो कि हमारा टॉपिक है एम्पावरमेंट क्लास कहते हैं हम इसको राइट वो कहता है नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा है आप चेक करो गुस्सा आता है तो आप करते क्या हो अब डिफरेंट डिफरेंट पीपल वुड हैव सिम्टम्स कुछ लोगों के कान गर्म हो जाते हैं कुछ लोगों की नोज बर्न हो जाती है कुछ लोग पूरे रेड होना शुरू हो जाते हैं कुछ लोग थकना शुरू हो जाते हैं वो बैठ जाते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं दिस इज वेर यू स्टार्ट शाउटिंग एंड वेर यू स्टार्ट फाइटिंग और यू नो पीपल स्टार्ट अब तो आपका बीपी पी फॉरन हाई हो जाता है आपको एक बॉडी के अंदर जंप स्टार्ट मिलता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया आपको फील होना शुरू हो गया कि मैं आप सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ नॉर्मली ये मेरी स्पीड नहीं है हाउ मेनी यू रेज हैंड्स ठीक है तो नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा है तो आपको ये देखना है कि मेरा ट्रिगर पॉइंट क्या है तो आपको आपकी बायोलॉजी समझ आना शुरू हो जाएगी कि ओ जब मुझे गुस्सा आता है तो ये होता है राइट अब देखो व्हाट हैज इस्लाम टॉटस गुस्सा है तो क्या करे हो खड़े हो तो बैठ जाओ बैठे हो तो लेट जाओ राइट वॉट डज दैट मीन बायोलॉजिकली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है आप बैठ जाओगे रिलैक्स हो जाएगा बैठे हुए हो गुस्सा आ गया है थोड़ी देर के लिए लाइट डाउन हो जाओ न्यूट्रल हो जाएगा ब्लड फ्लो रिलैक्स हो जाएगा बायोलॉजी रिलैक्स करने का बोल रहे हैं दूसरा गुस्सा इज फायर टेक ए ग्लास ऑफ वाटर फायर को नेगेटिव से तोड़े राइट फायर क्रश द वाटर वाटर क्रश द फायर पानी पी लोगे तो गुस्सा खत्म हो दिस इज व्हाट आर रिलीजन स्टॉटस हमने कभी इसके पीछे साइंस समझने की कोशिश ही नहीं की ये ये कहता है कि पहला है कि अर्ली साइंस निकालो जो हमने बात की तो आप देख सकते हो अर्ली साइंस क्या है दूसरा है सॉल्यूशंस फाइंड करो एक सॉल्यूशन है वाटर दूसरा सॉल्यूशन है सिट डाउन तीसरा सोल्यूशन है लाई डाउन और सबसे आसान सोल्यूशन है शट डाउन और शट अप बोलना ही छोड़ दो क्योंकि कहते हैं ना शट डाउन द कंप्यूटर अपना कंप्यूटर शट कर दो समझो कि आपके साथ कोई कुछ बोल रहा है अब मसला हमारा पता है क्या हमसे बर्दाश्त भी तो नहीं होता ना वो मुझे बोला कैसे राइट उसने तीन बोला है तो मैं मेक श्योर करूंगी या करूंगा चार पॉइंट करके फिर मैं शट डाउन हूँ तो गेम ओवर हो गया ना क्योंकि गुस्से में आपने जो बोला वो खत्म हो गया आप भी रिवर्स नहीं कर सकते सामने वाला भी तो बिफोर टेकिंग अ ब्रीथ आपको चुप होना पड़ेगा और वो सबसे मुश्किल काम है तो जिस दिन आपने शट डाउन सीख लिया कैसे करना है अपने कंप्यूटर को कंप्यूटर को नहीं आने अपने ब्रेन को या अपने माउथ को तो आपने गुस्सा पी लिया रिमेंबर क्या है हमको सिखाया गया गुस्सा पी जाओ वट इज दर्ड जाओ मीन एक चीज को ड्रिंक करने का क्या मतलब होता है राइट right? एक चीज होती है पी लो मैं बोलता हूँ दिस इज अ सोडा दिस इज अ वाटर दिस इज अ शरबत ये पी लो मतलब यू माइट बी डूइंग दिस विद लग्जरी यार पी ड्रिंक बहुत मजा आ रहा है और एक है पी जाओ यू नो इज द नेगेटिव वर्ड विच इज द फोर्सफुल वर्ड के मजा नहीं आएगा अच्छा नहीं लगेगा बिटर ड्रिंक होगा बट पी जाओ पीना पड़ेगा राइट सो हु इज सक्सेसफुल जो बिटर ड्रिंक पी जाता है बिकॉज समथिंग यू टू टू से जिसने आपको हर्ट किया लेकिन आप पी रहे हो आप कह रहे हो ठीक है मुझे समझ नहीं आ रहा आई कैन नॉट डाइजेस्ट बट मैं पी रहा हूँ सो so, क्या टेक्निक्स आई लिख लो वाटर सिट डाउन लाई डाउन शट डाउन राइट अगर मैं कोड बनाऊँ डब्ल्यू एस एल एस नेक्स्ट टाइम गुस्सा है तो सोचो डब्ल्यू एस एल एस जाने पानी है कहीं पे बहुत गुस्सा आ रहा है कोशिश करके पानी पी लो चेयर है कहीं पे कोशिश करके बैठ जाओ बैठे हुए हो कोशिश करके स्ट्रेच कर लो लाई डाउन हो जाओ ठीक है अब ये नहीं आप किसी से बात करते करते सो जाए वो नाइन वन वन कॉल करो अरे क्या हो गया शोकत भाई को नाइन कॉल कर राइट वो सारा का सारा गेम ही अलग हो जाएगा तो डाउन ऐसे होना है कि सामने वाले को डरा नहीं देना राइट पता चला वैसे ही गुस्सा खत्म हो गया नाइन वन वन आ रही है आपको आप बोले नहीं नहीं मैं तो डाउन कर रहा था एम्पावरमेंट क्लास में सिखाया था डाउन हो जाओ राइट मेरे को नहीं फंसवा देना एंड द लास्ट थिंग इज शट डाउन दिस इज द क्विकेस्ट मोस्ट रेमेडी शट डाउन यानी कि बोलना ही छोड़ दो एंड आई हैव रियली सीन वेरी वाइज एंड सक्सेसफुल पीपल डूइंग इट कि जब वो इस सिचुएशन में होते हैं बड़े बड़े बिजनेसिस रन कर रहे होते हैं समथिंग गोज बैड एंड पीपल स्टार्ट बर्निंग फायर वो चुप हो जाता है राइट right? सुकून से जाके अपनी पहले बायोलॉजी कंट्रोल करो बायोलॉजी क्या है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और मेरे दिमाग में ये चल रहा है फायर चल रहा है कि मुझे कोई हर्ट कर रहा है मुझे कोई इंसल्ट कर रहा है मेरा ईगो कोई हर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं कभी भी सामने से पॉजिटिव बात तो करूंगा नहीं हाउ मेनी यू मैनी विद द पॉइंट यह और नो तो जब मेरा बायोलॉजी नेगेटिव है तो मेरा रिएक्शन कैसे पॉजिटिव निकल सकता है एक नेगेटिव बॉडी के अंदर से पॉजिटिविटी कैसे बाहर आ सकती है करेक्ट डू यू अग्री विद द पॉइंट यह और नो तो यानी उस सिचुएशन में जो भी करोगे पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता तो पहले रिलैक्स हो जाओ शट डाउन कर दो उस जगह से वॉकआउट कर जाओ फिर सुकून से बैठो ठंडे हो जाओ जॉग कर लो वर्कआउट कर लो यू नो डब्ल्यू एस एल एस पानी पी लो लाई डाउन कर जाओ बैठ जाओ पार्क में वॉक कर लो जो आपका तरीका है मेडिटेशन करनी है सॉन्ग सुनना है जो करना है कर लो फिर पॉजिटिव हो जाओ फिर आके उससे वापस बात कर लो तो हो सकता है कि अभी आप जो बात करोगे वो पॉजिटिविटी पे बेस्ड बट उस वक्त आपने रिएक्शन दे दिया तो तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया रिलेशनशिप पे राइट right? कुछ ऐसा आपने बोल दिया या उसने बोल दिया या खत्म हो गया कि बिजनेस खत्म हो गया रिलेशन खत्म हो गया फ्रेंड फिर मोड़ के जाना मुश्किल हो जाएगा कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं रेज रेजियो हैंड्स ठीक है तो जो स्ट्रेटेजी नंबर वन हमने निकाली है वो ये निकाली है कि नेगेटिव बायोलॉजी में सिर्फ शट डाउन करना आसान है शट डाउन करने की आदत डालनी है चुप हो जाना है उस जगह से वॉकआउट कर जाना है ठीक है सामने वाले को कंफ्यूज कर देना है कि इसको बुरा लगा कि अच्छा लगा इसने जवाब कुछ नहीं दिया राइट और आपकी ग्रेसफुलनेस आ गई कि मैंने इतना कुछ बोला कुछ बोला ही नहीं इतना तो आपकी स्ट्रेंथ क्या नजर आई कि इस आदमी को कोई हिला नहीं सकता आदमी को जितना भी गुस्सा दिला लो इसका माइंड इसके कंट्रोल में है आपने एक बहुत सॉलिड स्टेटमेंट दिया सॉलिड फ्रेंड दिया अपने एनिमी को या अपने दोस्त को कि भाई तुमने पूरी कोशिश की लेकिन आई न्यू हाउ टू शट डाउन माई डिवाइस सही बात है पॉइंट yes no? तो बहुत आसान करते हैं दस बारह प्रिंसिपल्स में नहीं जाते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल नंबर वन हम ये बना लेते हैं ट डाउन शट डाउन का मतलब कोई रिएक्शन नहीं बात खलास राइट फिर हमें घर जाके डब्ल्यू एस तो डब्ल्यू एस एल एस याद रख लो वॉटर लाइ डाउन क्लियर हो गया चौकत भाई इज इट हेल्पफुल ठीक है देखो हम नई चीजें सीखते हैं सो ऑलवेज सजेस्ट द टॉपिक सेकेंड थिंग आपको लगता है नहीं यार शट डाउन नहीं कर सकता कोई लाइफ में ऐसी चीज़ है कि डिसीजन अभी अभी लेना है और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन यहाँ से वॉक डाउन कर जाऊंगा ना तो हो सकता है यू आर इन हॉस्पिटल गॉड फॉर विट और कोई ऐसी बातें करे बट आपको डिसीजन तो देना है यू आर इन सिचुएशन कि अब आप फंस गए हो अब आप आउट भी नहीं कर सकते तो द नेक्स्ट थिंग यू डू इज डीप ब्रीद डीप ब्रीदिंग जो होता है आपकी बायोलॉजी को सही करना शुरू कर देता है क्योंकि तो आप जगह नहीं छोड़ सकते आप उन लोगों से बाहर जा नहीं सकते तो आप फ्रेश एयर लेना शुरू कर देते हो या आप तो लेट्स ट्राई टू डीप ब्रीथ यार चलो एवरी वन लेट्स ट्राई टू डीप ब्रीथ समझो अभी आपको गुस्सा आ गया ठीक है एंड ट्राई टू डीप ब्रीथ थ्री टाइम्स ओके लेट्स डू दैट कि जितना ज्यादा होल्ड करोगे एयर को उतना ज्यादा लंग्स एयर ले पाएंगे से लेके फॉर छोड़ दोगे तो लंग्स को एयर नहीं मिलेगा ठीक है तो जब लंग्स को एयर मिल जाएगी तो टॉक्सिन को लंग्स क्लियर करना शुरू कर देगा ये जो नेगेटिविटी है जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना ये टॉक्सिन की वजह से हो जाता है तो क्या हुआ कि देखो कुदरत ने कितना फैंटास्टिक सिस्टम बनाया है कि यू नो समथिंग हैपेंस टू यू आपको प्रोसेस दे दिया आपने डीप ब्रीथ किया लंग्स ट्रिगर हो गए लंग्स ने बैड एयर को बाहर फेंका निकाल के टॉक्सिन्स को बाहर किया आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ और आप पॉजिटिव होना शुरू हो गए और अब आप पॉजिटिव हो गए अब आपकी सोचने की सलाह तो आ आप गया आपका गुस्सा कम हो गया राइट तो पहला ट्रिक डाउन दूसरा ट्रिक डीप ब्रीथ ये क्लियर है सबको डिग्रोशियट तो करो देखो अभी दो अलग अलग टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे कंट्रोल करना है दूसरा टॉपिक अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं यस और नो राइट किस तरह बात करना किस तरह सैंडविच थ्योरी अप्लाई करना किस तरह सामने वाले को कभी कभार शो करना कि यार तुम सही भी बोल रहे हो लेकिन थोड़ा गलत भी बोल रहे हो राइट तो वो हम टेक्निक इस दफा हम टेक्निक अपने ऊपर यूज करना चाह रहे हैं ठीक है सो कितने लोग मैं वापस से आता हूँ क्योंकि आज का टॉपिक एंगर है मैं उसको कम्युनिकेशन में नहीं ले जा रहा उसको हम बहुत दफा एंगर पे रहता है ठीक है कितने लोग गुस्से में और जो आपने भी बात की ना एग्जैक्टली वही टॉपिक है समझो आप मीटिंग में बैठे हो कोई बड़ाई मार रहा है उससे आपको गुस्सा आ रहा है हर एक को गुस्सा आने की वजह अलग अलग हो सकती है राइट आपको गुस्सा एक चीज पर आया जरूरी नहीं नबत वाले यानी को भी उस पर है जरूरी नहीं सरोज वाटी वाला को भी उस पर है तो सरोजवाटी वाला गुस्सा आ गया कि वो अपनी ब्रांड न्यू कार निकाल के ले और सरोज ने बुलाड़े मेरी तो गाड़ी पुरानी है मुझे उस पर गुस्सा आ गया क्या हो सकता है फरीद प्रेमानी को गुस्सा आ गया कि उसका फोन नहीं और मेरा तो फोन पुराना है गुस्सा कोई भी इलॉजिकल छोटी छोटी बात पे आ सकता है बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी आपकी जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपको गुस्सा लगेगा अब सोचना ये है कि समझो ये कॉमन चीज है कोई बड़ाई कर रहा है अपनी और हर जगह कोई ना कोई ऐसा होता है राइट क्या आपका वहां बैठना जरूरी है आप बैठ सकते हो दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट पूरे करो बोलना छोड़ दो शट डाउन कोई फैसला तो नहीं करना ना किसी की जिंदगी मौत का राइट खत्म हो गई यू शट डाउन राइट डीप ब्रीदिंग खाली एक ऐसा ऑप्शन था क्योंकि बात करना शुरू करोगे तो तो फिर कम्युनिकेशन आ गया हो सकता है वो आपकी बात सुने हो सकता है ना सुने सुन ले तो अच्छा है ना सुने तो फिर एक वापस मसला तो इसलिए हम इस वक्त अपने आप को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं सामने वाले की बात नहीं कर रहे तो अगर जिंदगी और मौत का मसला नहीं तो बेटर इज शट डाउन और बहुत ज्यादा हो रहा है तो वॉक अवे चले जाओ ठीक है लेकिन न्यूट्रल रिएक्शन देके जाओ दूसरा ये जो बात कह रहा है ना वो है क्योंकि आज हम अपने आप को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं करेक्ट वो ये कह रहे हैं कि मैं किस तरह आधा घंटा निकालू जैसे परवीन ने बोला मैं तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है बैठना मैं तो कुछ मार्बल शार्बल आ जाए तो मार दू उठा के उसको राइट इतना गुस्सा आ रहा है मुझे लत से है ना नाउ मैनी ऑफ यूर लाफिंग किसी ने को, किसी को अपना बेटा याद आ रहा है किसी को बहू याद आ रही है बहू को सास याद आ रही है किसी को बॉस याद आ रहा है हाँ बिल्कुल मेरे सामने राइट सब खास रहे राइट तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है इंजॉय करो तो तीसरी चीज जो है ना वो टेक्निक ये दे रहा है अपने आप को कंट्रोल करने की बात है पहला है शटडाउन दूसरा है ब्रीद डीप ब्रीद तीसरा है स्टार्ट विजुअलाइजिंग अब समझो मेरे को गुस्सा आया एबीसी पे शौकत भाई बैठे मैं समझो शौकत भाई के साथ पांच और उनके सीनियर दोस्त बैठे हुए और कोई बड़ाई कर रहा है अपनी राइट और शौकत भाई कह रहे हैं यार ये तो बड़ाई वाली कोई बात ही नहीं है जस्ट फॉर एग्जाम्पल अब शौकत भाई को आ रहा है गुस्सा या जैसे परवीन को गुस्सा आ रहा था अब शौकत बोले यार मैं उठ के जाऊंगा तो मेरा इतना पॉजिटिव इमेज है लोग क्या बोलेंगे शौकत भाई से बर्दाश्त नहीं हो अपनी तारीफ कर रहा था तो, तो नहीं ये तो मेरी शान के खिलाफ है ये भी मैं नहीं कर सकता अब शौकत भाई फंस गए उठ भी नहीं सकते और बैठ भी नहीं सकते तो क्या करेंगे तो वो ये कहता है कि आप विजुअलाइज करना शुरू करोगे ठीक है ये बड़ी जबरदस्त गेम है मैं। ये जो बुक द सीक्रेट है ना इसका फॉर्मूला है अल्लाह ने इतनी ताकत दी है के के अंदर ड्रीमिंग के अंदर ड्रीमिंग और आइंस्टाइन को लोग डी ड्रीमर कहते थे वो बैठे बैठे या शेख चिल्ली को लोग डी ड्रीमर कहते थे राइट ये एक आर्ट है अब समझो वो जो भी दोस्त है या जो भी जिसकी आप लोग बात कर रहे थे जो आपको गुस्सा दिलाता है राइट मैं एक सेशन ले रहा था एच में उसके बाद एक लेडी आई उसने मुझे अपनी बोला कि सर मुझे मेरी डॉटर इन लॉ ये 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 करती है बहुत गुस्सा दिलाती है मैं उसकी शक्ल भी नहीं दया अपने बेटे के व्यास से राइट मैंने बोला कि शायद उसको भी आपके बारे में ऐसा ही हो कि वो भी बेटे की व्याज से राइट बट जो भी ट्राइंगल बना ये कॉमन लाइफ है लेकिन कभी ना कभी अच्छे मोमेंट्स तो आते हैं बोला हाँ आते हैं वो भी टेक केयर करती है मैं भी टेक केयर करती हूँ बीमार थी बहुत टेक केयर किया ये किया स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट राइट आज एक आदमी जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा बट कुछ तो अच्छा होगा उसमें राइट वो विजुलाइज करना शुरू कर दो कोई ऐसा वक्त किया होगा जब वो आपके बड़ा काम आया होगा क्या समझो आप हार मान गए आपने हथियार डाल दिया आपने बोला यार इसमें एक भी कोई काम की बात नहीं है झूठ मूठ की विजुलाइजेशन कर लो कि हाँ यार वो था और यू नो मैं बहुत मुश्किल में था आप वो आमिर खान बोलते हैं ना ऑल इज वेल ऑल इज वेल दिल को बेवकूफ बनाते रहो अपने आप को बेवकूफ बनाते रहो वो ए बी सी बहुत अच्छा है उसने आपकी बहुत मदद की आप ख्वाब देख रहे हो ना कोई हकीकत तो है नहीं कोई इसमें अवार्ड तो मिल नहीं रहा आपको आप हानि यार अच्छा। या खस्ता आगे ऐसा हो गया अचानक आपके अंदर उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी आपका गुस्सा ठंडा होना शुरू हो गया तो हुआ कुछ भी नहीं अभी भी वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं परवीन लखानी अभी भी अपने कमरे में बैठे हुए बोल रही अभी मैं कैसे इसको बर्दाश्त करू राइट बट अब क्योंकि परवीन ने उसके बारे में अच्छा शुर, सोचना शुरू कर दिया जो कि शायद उसमें नहीं है झूठ झूठ सोच रही है राइट बट परवीन के लिए बर्दाश्त करना आसान हो गया यस और नो कैसी टेक्निक है मजा तो आया तालियां बजाओ मजा के लिए राइट सो so, इस टेक्निक आसान जबान में बोलेंगे किसी को कैसे बर्दाश्त करना कैसे बर्दाश्त करना झूठी विजुलाइजेशन से या सच्ची विजुलाइजेशन से लेकिन ट्रिक है विजुअलाइजेशन जागते हुए ख्वाब देखना जागते हुए दिमाग में स्टोरी बना लेना कि परवीन नवाब अली ने मेरी कितनी मदद की मैं एक दफा सैन एंटोनियो गया मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई और वो घर किसका निकला परवीन अली का निकला परवीन अली बाहर आई रोस्टेड चिकन लेके उसने मुझे बिठाया उसने मुझे ये किया वो किया वो किया और फिर मैं गाड़ी ड्राइव करके यूस्टन वापस आ गया कुछ हुआ था ऐसा परवीन नहीं हुआ था लेकिन क्या हुआ वाह परवीन के लिए पॉजिटिव वाइव अब परवीन जो भी अपनी कहानी सुना रहे हैं मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं अपनी दुनिया में मस्त आधा घंटा पूरा हो गया परवीन है अब अपनी दुनिया में मस्त है तो डे ड्रीमिंग जो है ना ये कुछ नया सीखने को मिला आज कितने लोगों को मिला रेज यू हैंड राइट तो ये लिख लो ऐसी नॉलेज रोज नहीं मिलती है कभी कोई सॉलिड ऑथर टकरा जाता है तो कुछ सिखा देता है लेकिन मकसद है कि कुछ करोगे नहीं तो भूल जाओगे तो आज इसको करके देखना ठीक है ताकि याद रह जाए और कभी जरूरत पड़े तो माना नेक्स्ट टाइम कोई आपके सामने बैठा हुआ अच्छा ही करेगा या बुराई करेगा और आपको टेक्निक याद नहीं आएगी तो आप क्या करोगे राइट तो टेक्निक याद भी होना बहुत जरूरी है कि किस वक्त कौन सी साइज की गोली चलानी है बंदूक रखने से कुछ नहीं होता ठीक है बुलेट्स भी रखनी पड़ती है सो थैंक यू वेरी मच होपफुली दिस वुड हैव हैल्प यू इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट